नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मिंग आइडिया में। और दोस्तों आज हम हैं देहरादून के एक छोटे से गांव चिड़ी भेली में। मैं भी आज आश्चर्य में हूं, ये नाम भी मैंने आज पहली बार सुना है, चिड़ी भेली। ये सहसपुर विधानसभा के अंदर आता है, ये एक छोटा सा गांव जहां पर 10 से 15 परिवार रहते हैं। आज हम इन गांव के लोगों से मिलेंगे, इनकी समस्याएं भी आपको बताएंगे, इनका रोज की दैनिक कार्य भी आपको बताएंगे, क्या करते हैं, किस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज जहां टेक्नोलॉजी का ज़माना है और इस गांव में आज एक लाइट भी नहीं है, आइए आज मिलते हैं गांव के ग्रामीणों से। अंकल जी से पूछते हैं यहां के बारे में, थोड़ा ये बताएंगे हमें, क्योंकि आज मैं भी बहुत अचंभित हुआ हूँ कि ये नाम मैंने पहली बार सुना है, देहरादून में रहकर चिड़ी भेली। तो अंकल जी, जैसे आपने बताया इस गांव के बारे में, यहाँ की मूलभूत सुविधा है, यहाँ का मुख्य रोजगार, थोड़ा सा हमें और हमारे दर्शकों को जरूर बताएं कि आप बस यहाँ तो हमारे बहुत ही कठिनाई से दिन काट रहे हैं। कोई सुविधा नहीं है, स्कूल यहाँ नहीं है, पानी यहाँ नहीं है, और बिजली यहाँ नहीं, सड़क यहाँ नहीं है, सारी मुसीबत है। रात को यहाँ जानवर आते हैं, हाथी भी आते हैं, तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। जी जी। सरकार जो है कोई यहाँ की सुविधा नहीं कर पाते हैं। तो जयशंकर जी, मैं देख रहा हूँ चिड़ी भेली, ये तो मुझे एक ऐसा अद्भुत गांव लग रहा है कि जो गांव जंगल के बिल्कुल बीचों बीच है, ना यहाँ पर सड़कें, जैसे आपने बताया, ना सड़कें हैं, ना बिजली है, ना पानी है। तो आप अपना जो है भरण पोषण, अपना बच्चों का ये कार्य, मतलब क्या क्या आप योजना? बस ऐसा ही है जी, मुसीबत से गांव स्कूल भी वहाँ भेजने पड़ते हैं गांव में बच्चे। जी जी जी। और सामान भी, जो भी कुछ मुसीबत होती है, चाहे दिन को हो चाहे रात को, वहाँ गाँव में जाना पड़ता है। अच्छा। दुख तकलीफ हो जाती है, बहुत वीरान होना पड़ता है यहाँ से। अच्छा। कोई गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं मिलता। अच्छा। और बरसात में जो एक नदी है हमारे बगल में, जी उसमें जी। पानी आता है, तो आना जाना सारा बंद हो जाता है, देखो किसी की जान चली जाए। जी, जैसे मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, ये गांव ऐसी जगह पे है, हम ऐसी लोकेशन पे आए हैं जहाँ पर आने से भी डर लगता है कि मैं यहाँ जाऊं ना जाऊं, जंगल के बिल्कुल बीचों बीच, बीच और चारों तरफ जंगल है, बीच में छोटा सा गांव, आसमान दिखता और कुछ नहीं। जी संगल जी बता रहे हैं, ये धरती और आसमान दिखता है, तो बीचों कुछ नहीं दिखता। जैसे गड्ढे में हम, जो आपकी दिनचर्या शुरू होती है सुबह और शाम तक, क्या क्या आप करते हो? मतलब ये डंगर ढोर हमारा पालना का कर्तव्य है, इसी से हम अपना गुजारा करते हैं। कोई बकरी पालता है, जी जी। कोई भैंस पालता है, जी जी। जो भैंस के नीचे दूध घी होता कुछ थोड़ा बहुत, वो टिमली ले जाना, गांव में ले जाना पड़ता है। अच्छा। हाँ, और बकरी भी ऐसा है, कोई गाहक आ गया भाई टाइम पे, तो चलो हमारा ये बिक जाए, फिर हमारा गुजारा हो जाए, और टाइम पे इसका कोई गाहक भी नहीं आता, फिर बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ती। आपका मेन जो व्यवसाय यहाँ पे है, ये खेती, गाय भैंस और खेती बाड़ी। तो इनसे जितना आप नौकरी में हमारे नहीं है कोई, नौकरी चाकरी हमारे नहीं, कोई मेहनत मजदूरी और हमारी नहीं, बस यही है खेती का काम। तो सर अंकल जी, तो आपके लिए बहुत ही कठिन, मतलब जैसे पहाड़ों से हम यहाँ अब प्लेन्स में आए थे सुविधा के लिए, ये सुविधा नहीं मिली, सुविधा नहीं मिल रही। पहाड़ों जैसे रह गए हम, तो जैसे पहाड़ में थे ऐसे यहाँ रह गए। अच्छा, उतनी मेहनत है, उतना ही संकट है, उतनी संकट। तो जो दूध, ये बकरी पालन सब आप लोग जो कर रहे हो, तो इसका दूध बेचने वहाँ जाना पड़ता है, जैसे बरसात में बरसात हो जाए, गाँव में ले जाना पड़ता है। अच्छा, हर सुबह। तो यहाँ की जिंदगी मतलब क्या है कि रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो, बस बहुत कठिन, बहुत कठिन। अभी हम इस गांव की मातृशक्ति से भी बात करते हैं कि यहाँ की मूलभूत सुविधाओं के बारे में और यहाँ का जो इनका रोज का जीवन यापन है उसके बारे में भी इनसे बात करते हैं। नमस्ते बहन जी, आपका बहुत नमस्ते बड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस गांव में रहते हो और हमें सौभाग्य मिला इस गांव में घूमने का। और तो आपका कितने साल से रहते हो आप यहाँ पर? बहुत साल हो गए, सन 74 से रहते हम लोग यहाँ पे। अच्छा, सन 74 से। लाइट नहीं, पानी नहीं,
तो जैसे हम अभी यहाँ बाइक से आए थे, मतलब चौथी पीढ़ी निकल रही है यहाँ पे, हमें जैसे हम मेन रोड से आए थे, हमें भी डर सा लगा यहाँ आने पे। तो आप लोग, हाँ, तो आपने कभी सरकार से या किस इनके प्रतिनिधि से किसी ने नहीं करा। सब लोगों से हमने सपोर्ट मांगा है और सब लोगों से बात की है कि हमें सपोर्ट करो, हम भी यहाँ पे रहते हैं, इसी देश के नागरिक है, हम भी, हमारा भी हक है अधिकार लेने का। लेकिन यहाँ पे हमारी कोई मतलब सुनता ही नहीं है, कोई भी, कोई गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ना, तो आप लोगों जैसे हमारे प्रतिनिधि भी इलेक्शन चुनाव में वादा करके जाते हैं, सब वादा करके जाते हैं इलेक्शन के टाइम पे, वादा करके जाते हैं, बाद में कोई देखने नहीं आता है, कोई नहीं पूछता है। दोस्तों देख रहे होंगे कितनी समस्या है, आप देख रहे होंगे कितना ये भारी वजन घाट को लेके आते हैं अपनी कमर में। कितनी उम्र होगी अभी ताई की? मेरी 60 साल। 60 साल की उम्र हो चुकी है, फिर भी पूरा अभी घर का काम कर रहे, क्योंकि इनका रोजगार यहाँ पर कुछ नहीं है। अपनी गौशाला है, गाय बकरी इनका व्यवसाय करते हैं, इनका दूध बेच के जो अन्न पैसा अर्जित होता है उससे बच्चों की पढ़ाई, राशन लेने का इनका होता है। क्योंकि जो यहाँ पे भूमि है, जब यहाँ पे बिजली नहीं है तो पानी भी नहीं होगा, तो ये सब प्रकृति के ऊपर ही भरोसे में है। तो लेकिन आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को क्या बोलना चाहोगे कि उनको यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं दें? सिर्फ एक ही मेन समस्या बोलना चाहेंगे, हमारे सबसे जो मेन प्रॉब्लम है वो है लाइट की। यहाँ पे लाइट नहीं, इस वजह से हम ना यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं, ना पानी यहाँ पे आ सकता है, कुछ भी नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे लाइट की है, बाकी तो रोड की है, स्कूल की है, हर चीज की है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो लाइट की है। क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी है, जैसे अभी सरकार का विजन मिशन ये शिक्षा, पढ़ाई भी नहीं कर सकते यहाँ के बच्चे, तो दिख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे अब ये पढ़ाई करने कहाँ कितने दूर जाते होंगे, माटी का तेल भी नहीं देते, कैसे पढ़ते बच्चे। हाँ। लाइट भी नहीं, स्कूल के वजह से नहीं, जब लाइट नहीं है तो पढ़ाई नहीं कर सकते। तो आप लोग जैसे लाइट नहीं तो रात में किस तरह से अब वो देखते हो? तो क्या बनता, सूर्य लाइट है हमारे पास, अगर धूप रहती है तो चार्ज होता है जी, नहीं तो नहीं चलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों के एग्जाम होते हैं और धूप नहीं आती है, लाइट चार्ज नहीं होती है, सूर्य लाइट, तो फिर पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो आप जैसे यहाँ पर रहते हो, आपका पूरा परिवार यहाँ पर? हाँ जी, पूरा परिवार यहाँ पे रहता है। अच्छा, तो जैसे आप कितने लोग होंगे पूरी इस आपके इस गांव में? लोग तो काफी होंगे यहाँ पे, तो कम से कम 10-12 तो घर ही है। 10-12 घर? हाँ जी। देखो दोस्तों 10-12 घर हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाएं कुछ नहीं है। जैसे हम बोलते हैं गाँव है, लेकिन गाँव का पूरा लुक है, लेकिन सुविधाएं कुछ नहीं है। आजकल आप कहीं भी चल जाइए, देश के सबसे बेहद इलाके में चल जाइए, जैसे हम बोलते थे बिहार, झारखंड, वहाँ भी आप हमको सड़क, बिजली, पानी जरूर मिलेगा, लेकिन उत्तराखंड, देहरादून, जो देहरादून राजधानी, इस गढ़वाल की राजधानी है, लेकिन यहाँ के एक छोटे से गाँव में ना बिजली है ना पानी है। और यहाँ के जो बेचारे हमारे किसान लोग हैं, अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ाते हैं, अब इन्हीं को पता होगा कितनी मेहनत करते हैं इनके ऊपर, रोज़ जंगल जाना, घास लाना, उनका दूध दोहन करके उनको बेचना, इतनी मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। सुंदरता में शायद ही ऐसा कोई गांव हो, लेकिन यहाँ की वही समस्या जो आपको हमारे इससे पहले दर्शकों ने बताया था, पानी, बिजली, यही दो यहाँ की मूल समस्या है। सड़कें तो शायद जंगलात डिपार्टमेंट कब बनाने की परमिशन दे, लेकिन मूलभूत सुविधा जो है पानी और बिजली की है। यहाँ का जो मेन मूल व्यवसाय है कृषि के ऊपर ही सब लोग आधारित हैं। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर गाय के लिए भी चारा काट रहे हैं, बहन जिन से बात करते हैं। बहुत प्यारा और सुंदर लगा गांव। तो आप कब से यहाँ पर रहते हो? और हमें तो यहाँ पे आके 2-2.5 साल ही हुई है, मगर जो हमारे घर के मुखिया है उन्हें तो काफ़ी साल हो चुकी है। अच्छा, काफ़ी साल से यहाँ पे आपके घर वाले रहते हैं। तो यहाँ पे मुख्य व्यवसाय क्या है, हम मतलब आप लोगों का जो रोजगार का जो मेन मुद्दा है यहाँ पे आपका? यहाँ पे रोजगार का तो वैसे कुछ मुद्दा नहीं है, पर ये है कि थोड़ी बहुत जो भी फसल होती है उसे जानवर आते हैं और सारा खाते ही जा लेते हैं। अच्छा, जंगल किनारे जानवर भी आते हैं? हाँ जी जी जी। तो सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं करी कि या कोई तार बाड़ लगा दी जाए जानवर अंदर ना आए? नहीं, सरकार ने तो कोई व्यवस्था नहीं की यहाँ पे, ना लाइट की ना पानी की। अच्छा, लाइट पानी की। देखो दोस्तों, हम जहाँ भी जा रहे हैं सभी लाइट पानी की व्यवस्था के लिए बोल रहे हैं। तो मुझे तो आज जब जैसे हम आपके गाँव में आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर गाँव है, छोटा सा गाँव है। तो आप लोगों का जो मेन व्यवसाय है गाय भैंस रखी हुई आप लोगों ने, तो इसका दूध आप कहाँ बेचते हो? दूध टिमली में बेचते हैं। टिमली में? अच्छा अच्छा, तो बहुत बढ़िया लगा आपके गांव में आके। और हम अपने चैनल के माध्यम से भी बताना चाहेंगे अपने जनप्रतिनिधि को, यहाँ के विधायक जी को, कितने साल हो चुके हैं देश को आज़ाद हुए, यहाँ पर जो मूल समस्या इनका है पानी और बिजली,
इसको तो मुहैया कराएं, क्योंकि आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां पर पानी और बिजली ना हो। तो हम चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से बोलना कि यहां पर पानी और उसकी व्यवस्था जरूर की जाए। तो बहन जी, जैसे आप यहां लोग यहां रहते हो, तो मैंने देखा बस 10 से 15 यहां परिवार रहते हैं, तो यहां सब मिलजुल के रहते होंगे सब लोग। हाँ जी। अच्छा, तो जैसे और घर के जो और हमारे आपके गार्जियन हैं, यहाँ के युवा हैं, ये अभी सब अभी जॉब में करते होंगे सभी लोग? ये सब लोग प्राइवेट जॉब करते हैं। अच्छा, तो देख रहे हैं तो यहाँ पे आने की तो बड़ी समस्या है, रात में आने की तो बहुत समस्या आई है। जी जी, तो कैसे आते फिर रात को आने का? रात का तो कुछ आने जाने का कोई साधन नहीं होता है। जी जी जी, तो बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके। आपका शुभ नाम? कलावती जी। बहुत बढ़िया लगा बहन जी आपसे मिलके, कि आप इतने प्यारे से गांव में हैं। ये भी लगता है स्विट्जरलैंड से कम नहीं है, लेकिन अगर सुविधा यहाँ पर हो जाए, लाइट पानी सड़कों की अगर सुविधा हो जाए, तो बहुत ही प्यारा गांव है आपका। तो दोस्तों, इनके व्यवसाय का मेन मुख्य जो यंत्र है, ये वो है कुट्टी की मशीन, जिसको बोला जाता है, हाथ से चलाया जाता है। देखिए आप, जहाँ पे चारा कट के तैयार है, और इसी से अपने पशुओं को, क्योंकि लाइट है नहीं तो हाथ की मशीन का ही प्रयोग करते हैं, और अपने जानवरों को इससे चारा खिलाते हैं। जो इनका रोजगार या स्वरोजगार कहेंगे हम, अपना खेती बाड़ी और गौ और भैंस पालनी है, जिनका दूध ये निकाल कर बेचते हैं। अपना टिमली जो इनका एक मुख्य बाजार है यहाँ पर, जो यहाँ के किसान हैं उनका जो मेन व्यवसाय है वो भी आपको दिखाया था। लेकिन यहाँ की जो समस्या है आपको दिख रही होंगी, सड़की के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं है, जंगल का किनारा है, पानी बिजली ऐसा कुछ नहीं है, सरकारी एक दो हैंडपम्प लगे हैं, उनसे ही अपने पानी का गुजर बसर करते हैं। तो दोस्तों, मेरी सरकार से और सरकार के प्रतिनिधियों से भी रिक्वेस्ट है कि इस गांव के बारे में सोचें। अगर आपने ये गांव बसाया है तो इनको सुविधा देनी पड़ेगी। और दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक सब्सक्राइब कमेंट से हमें प्रेरणा मिलती है और हम एक नई वीडियो बनाते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।